आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के एमसीक्यू। इसमें हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के एमसीक्यू पढ़ेंगे, जो कि पहला क्वेश्चन हमारे पास, पहला क्वेश्चन है दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्शन इज व्हेन प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर बट आर एट एन एंगल अदर देन 90 डिग्रीज टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस। इस प्रकार का प्रक्षेपण तब होता है जब प्रोजेक्टर एक दूसरे के समांतर होते हैं लेकिन प्रक्षेपण के तल से 90 डिग्री के अलावा अन्य कोण पर होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑब्लिक प्रोजेक्शन, वो ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहलाता है। इस प्रकार का प्रक्षेपण तब होता है जब एक प्रोजेक्टर एक दूसरे के समांतर होते हैं लेकिन प्रक्षेपण के तल से 90 डिग्री के अलावा अन्य कोण पर होते हैं, वो कहलाता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑब्लिक प्रोजेक्शन। सेकेंड क्वेश्चन है जनरली द यूनिट्स यूज्ड ऑन एन आर्किटेक्चरल ड्राइंग आर सेट टू। आमतौर पर एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग पर उपयोग की जाने वाली इकाइयों पर क्या सेट होती है? इसका आंसर हो जाएगा आर्किटेक्चरल। आमतौर पर एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग पर उपयोग की जाने वाली इकाइयां आर्किटेक्चरल पर सेट होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आर्किटेक्चरल। अ लाइन ड्रॉन विथ अ लॉन्ग सेक्शन शॉर्ट डैश एंड अनदर लॉन्ग सेक्शन इज अ, एक लंबे खंड छोटे डैश और दूसरे लंबे खंड के साथ खींची गई रेखा एक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सेंटर एक्सिस ऑफ अ हिडन सिलेंडर। एक लंबे खंड छोटे डैश और दूसरे लंबे खंड के साथ खींची गई रेखा एक सेंटर एक्सिस ऑफ अ हिडन सेंटर सिलेंडर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बिफोर स्टार्टिंग एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग इन ऑटोकैड द ड्राफ्टर नीड्स टू, ऑटोकैड में एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग शुरू करने से पहले ड्राफ्टर को किसकी आवश्यकता होती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सेट द ग्रिड टू आइसोमेट्रिक। इसमें हम आइसोमेट्रिक के लिए ग्रिड को सेट करते हैं। ऑटोकैड में एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग शुरू करने से पहले ड्राफ्टर की किसकी आवश्यकता होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सेट द ग्रिड टू आइसोमेट्रिक। इसका आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिलेंडर कैन बी क्रिएटेड बाई ड्राइंग अ रेक्टेंगुलर शेप देन द टूल, एक आयताकार आकार और फिर किस उपकरण बनाकर एक सिलेंडर बनाया जा सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवॉल्व, रिवॉल्व टूल का इस्तेमाल करते हैं। एक आयताकार आकार को रिवॉल्व टूल उपकरण बनाकर एक सिलेंडर का बनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रिवॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट फ्रैक्शनल इंचेस इनटू डेसिमल इंचेस, भिन्नात्मक इंच को दशमलव इंच में बदलने के लिए क्या करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डिवाइड द न्यूमेरेटर टॉप नंबर बाय द डिनोमिनेटर बॉटम नंबर। इसमें हम क्या करते हैं, जो न्यूमेरेटर होता है उसका टॉप नंबर और डिनोमिनेटर होता है उसका बॉटम नंबर, सबसे नीचे वाला नंबर, उसको दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फ्रैक्शनल इंच से डेसिमल इंच में कन्वर्ट हो जाता है। तो भिन्नात्मक इंच को दशमलव इंच में बदलने के लिए हम करेंगे डिवाइड द न्यूमेरेटर टॉप नंबर बाय द डिनोमिनेटर बॉटम नंबर। इसका आंसर बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन लेटरिंग अ कैड ड्राइंग फॉर क्लैरिटी यू शुड लिमिट द नंबर ऑफ फॉन्ट्स टू, कैड ड्राइंग को लिखते समय स्पष्टता के लिए आपको फॉन्ट की संख्या की सीमित करना कितना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा टू, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा टू। कैड ड्राइंग को लिखते समय स्पष्टता के लिए आपको फॉन्ट की संख्या को सीमित करना चाहिए टू, आंसर इसका टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑफसेट टूल शुड ओनली बी यूज्ड फॉर प्लेसिंग इन एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग, ऑफसेट टूल का उपयोग केवल किस को एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग में रखने के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, वर्टिकल लाइंस। ऑफसेट टूल का उपयोग करते समय वर्टिकल लाइंस को एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग में रखने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वर्टिकल लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्टुअल विजुअल स्टाइल टूल इज लोकेटेड ऑन द टूल बार, कॉन्सेप्टुअल विजुअल स्टाइल टूल किस टूल बार पर स्थित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, विजुअल स्टाइल्स। कॉन्सेप्टुअल विजुअल स्टाइल टूल विजुअल स्टाइल्स टूल बार पर स्थित होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विजुअल स्टाइल्स, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग अ ट्रेडिशनल टेक्निकल ड्राइंग इज टू, ट्रेडिशनल टेक्निकल ड्राइंग बनाने में पहला कदम क्या है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अलाइन द पेपर सो दैट इट विल बी पोजिशन्ड स्क्वायर टू द पैरेलल बार। ट्रेडिशनल टेक्निकल ड्राइंग बनाने के लिए पहला कदम जो होता है वो होता है अलाइन द पेपर सो दैट इट विल बी पोजिशन्ड स्क्वायर टू द पैरेलल बार। इसका करेक्ट आंसर सी, करेक्ट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स एंड डिजाइन इन द मैकेनिकल इंडस्ट्रीज इज द। यांत्रिक उद्योगों में इंजीनियरिंग ड्राइंग और डिजाइन के लिए माप की प्राथमिकता इकाई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मिलीमीटर। यांत्रिक उद्योगों में इंजीनियरिंग ड्राइंग और डिजाइन के लिए माप की प्राथमिक इकाई होती है मिलीमीटर। सबसे कम प्राथमिक इकाई होती है मिलीमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफॉल्ट पोजिशन ऑफ द यूसीएस आइकन इज पोजिशनड एट ऑन द ऑटोकैड ग्रिड। यूसीएस आइकन की डिफॉल्ट स्थिति ऑटोकैड ग्रिड पर किस पर स्थित होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 000 तक। यूसीएस आइकन की डिफॉल्ट स्थिति ऑटोकैड ग्रिड पर 000 पर स्थित होती है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा, 000।